empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Hi, hey. Hello, friend. Good morning. Jai Swaminarayan. बहुत ज्यादा ठंडी है और चलते हैं पापा की ओर। यहाँ पे पापा आ गए हैं। पापा जय स्वामीनारायण। વાંધો નહીં, વજન કરવો છે ન હાલો, આપણને અંદાજ આવે કે સિંગ માં ગુણ માં કેટલી સમાય છે, એ વાત સાચી, એટલે મેં કાટો કર્યો 27 મિનિટ यहाँ पे निकाल दिए, तो थोड़ी देर बाद में साफ करना शुरू कर देंगे। देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया खाने में। जनमेन, और यहाँ पे मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं तो बोल रही थी मैं किचन में जाऊँ, मम्मी ने क्या नाश्ता बनाया है, अब तो बाहर ही मिल गए मुझे नाश्ता। काम करानो है बच्चे, कपड़ा बासन करवानी थी, ओके तो नाश्ता नहीं करना है, तो डायरेक्ट मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। जब भूख लगे तब मैं नाश्ता कर लूंगी। चले फ्रेंड, मैं घर काम करके फ्री हो गई हूँ और मम्मी है पापा सब लोग पीछे हैं, तो चलो हम उसको पूछते हैं कुछ चाहिए तो मैं उसको ले आती हूँ। मैं तो सिंक साफ कर रहे हैं, तो मम्मी पानी पानी जो इसका है। जय स्वामीनारायण। पापा केम तमे देखाता नहीं क्या? જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ માસી, યુદ્ધના ધડાકા માલે છે, હા એ તો દેખાય છે ને, બધામ રિપેરિંગ, હા તો ચલિયે પાણી ચાહે ઓર કુછ નહીં ચાહે તો સબકો મેં પાણી પીલા દેતી હું। कीर्तन शूट करना वो भी बाकी है, तो मम्मी को मैंने बोला है वो आ जाए, तो मम्मी का हम कीर्तन शूट कर लेते हैं। तो चलिए, और बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी है, पहला मम्मी का कीर्तन ले ले, बाद में मेरे लिए कुछ मैं नाश्ता बनाऊंगी और करूंगी। तो चलिए, और दिखाऊंगी मैं नाश्ता में क्या बनाने वाली हूँ मेरे लिए। तो मम्मी आ गए हैं, त्यारे खेडूत लागे। मैंने मम्मी का कीर्तन ले लिया उसकी चैनल के लिए, तो मैं अब जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता करना है। सुबह नाश्ता नहीं किया था तो भूख लगी है, तो मेरे लिए मैं ओपन करने वाली हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, वीडियो एडिट कर रही, तो मम्मी आए थे, उसने बोला है चाय बनानी है सबके लिए, तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में सबके लिए चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ के चाय मस्त रेडी कर लिए, तो मैं सबको लिए चाय लेकर जा रही हूँ। पापा चाय पी है? એટલે તમને ખબર પડી ગઈ, એટલે લઈને આવી હું, લઈ લો માસી, તમે તો પીવાનું છે નહીં? નહીં હું કેટલે પછી કામ કે મજા જો જાય, એસી જેવું વાતાવરણ છે, હા મજા જ આવે ને, મજા જ આવે કરે, હા તૈયાર કી બની એક નંબર, તો વાંધો નહીં, કારણ કે બાદ કિચન મેં ખાના બનાના કે લીએ, ફિર મેં આગળ કિચન મેં વાપસ, ક્યુંકી ખાના બનાના ઇસલિયે આજ અડદ કી દાળ ઓર બાજા કા રોટલા બનાના હૈ, તો મેં અડદ કી દાળ રખ દેતી હું બોઇલ કરને કે લીએ। તો યહાં અડદ કી દાળ અચ્છી તરહ સે બોઇલ હો ગઈ હૈ, ઇસમે મેં થોડા સા પાણી ભી ડાલ દિયા હૈ, तो चलिए अब हम रख देते हैं उबालने के लिए, और इसमें नमक और कड़ी पत्ते में डाल दूंगी और अदरक। यहाँ पे दाल उबल रही है, उसमें मैंने छाछ भी डाली थोड़ी सी, अड़द की दाल खट्टी मीठी होती है तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने टमाटर और मिर्चा कटिंग कर लिया है। तो चलिए
तेल भी मैंने तेल रख दिया है, तो मैं दाल का तड़का लगा लेती हूँ। अच्छी तरह से वगैरह पक गया है तो इस दाल में डाल देते हैं। धनिया कटिंग करके आ गई हूँ हमारे गार्डन में से ही दाल में डालने के लिए। यहाँ पे मस्टर्ड की दाल रेडी हो गई है, गर्मा गर्म बढ़िया स्मेल आ रही है। और साइड में एक कंजर में रोटला कर रहे हैं बड़े ने। यहाँ पे रोटला पक रहा है, जबरदस्त पुलिस अड्डो पीलो मम्मी, रोटला पीलो पुलिस दड़ा जो थियो। तो मस्त रोटला पीलो मम्मी। यहाँ पे एक पक रहा है, लाइट चली गई नहीं मम्मी? लाइट भी गई, अंधारू पड़े से। चलो थाल तैयार करो छे, बाजरा ने रोटला, अड़द नी दाल अने छास अने हळदर उथाणो। वेरल वेरल थाल जमाडा जयस भगवान ने। हां मैं थाल कर आ गई हूं, तो यहाँ पे मैंने सारी वस्तु भी ले ली है खाने के लिए। कहते मम्मी आ गए जमरूट लेकर। हमारा जमरूट क्या बात है। તો જલેમ ખા લેતે હે? હા ઓ પપ્પા હે એક બે જામફળી થી ઉતારતો છે। ઓકે તો જલેમ ખા લેતે હે। थोड़ी देर आराम करेंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मम्मी ने बढ़िया सा चाय सब के लिए रेडी कर दी है। मम्मी आओ पाओ पड़े ने पाओ पड़े ने सिंह हमी करता है तो उसको उठाओ बता। तो चलिए फ्रेंड, मेरे फ्रेंड आ गई है मेरे साथ घूमने के लिए, और थोड़ी सी घर के लिए शॉपिंग करनी है। हम दोनों जा रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और थोड़ी एंजॉय करेंगे साथ में। तो चलिए बने रहे हमारे साथ में, दिखाते हैं हम क्या करते हैं, नखरा कैसा करते हैं हम। एंजॉय करना है ना। हाँ तो चलिए। तो यहाँ पे हम आ गए वासन की शॉप पे। तो सब लोग कमेंट कर रहे थे ना कि आरे बदलिए, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड आ गए कड़ा लेने के लिए। नहीं श्रुदा देखते हैं, वो भाई दिखाते अच्छे लगे वो हम लेने वाले हैं। कड़ाई तो बहुत अच्छी अच्छी है, हम देखते हैं। इसमें तो श्रद्धा हमारा तो मुखार में दिख रहा है इसमें तो जो। तो मुझे मोटा मत जो ने એટલે બને નો દેખે ને। अरे वाह। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा से मिलता है। मेरे फाइव थे ना वो उसकी मेरे चीज शॉपिंग हम यहाँ से करते थे, यहाँ पे पुरानी शॉपिंग हमारी, तो यहाँ पे सब लोग आते शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे। देखो तुम्हें कौन सा पसंद आया? ये बड़ा वाला, छोटा वाला दोनों अच्छा है नहीं? शॉपिंग करने के लिए तो चलिए घर के लिए शॉपिंग करनी है, मेरे लिए तो कुछ शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ मैं। तो अपने यहाँ फ्रिज लिया ना तो उसका कवर लेना है। बैग भर के शॉपिंग कर ली है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखो हम दोनों आ गए हैं नागनाथ मंदिर पर, भोलानाथ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, हमारे अमरेली में मंदिर है नागनाथ मंदिर, वहाँ पे हम आए हैं तो आप सबको दर्शन कराते हैं। ये हमारा मंदिर है। Broken hearts and stubborn fights, tired and true.
truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. और हम शॉपिंग करके आ गए। इतना सारा तो लिया। हाँ वो चलो दे मत कर लो। ये लिया। अजी हूँ बाकी रह गई उसे। यहाँ पे मम्मी बैठ गए कपड़ा संग कर रहे हैं मम्मी। नहीं मैडम मत भेजिए। बस ये बासन बोलना। चीज़ हमारी सब्जी यार उसके तो चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा यार। तुम शू मंगे हो तुम तो चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चले दिखाते हम यहाँ पे मेरी हीरोइन खोल रही है। तो आपने बोला था वो आपने नहीं बोला था वो भी मैं लेकर आई हूँ। टंकोरी न्यू लाई हूँ और भगवान के लिए दिया करने के लिए नया दिया टेबल लेकर आई हूँ और ये फ्रिज में अंदर के अंदर पे हम रखते हैं ट्रे पर वो कवर है। तो आपको अच्छा लगा कैसा लगा बोलिए। मस्त से ले हर उस वाली टंकोरी से ले। पहलानी से ना वो लिखेगी। अंदर हिटन मान ली दो ये वस्तु तो मैं तो ले लो बस मम्मी ने याद नहीं पर मैंने याद आ गई थी। और सब लोग मम्मी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे ना हमको कि आप नया लोया ले लीजिए तो इसलिए हम लेकर आ गए। और सब कमेंट करना कि हमारा नया लोया आपको कैसा लगा। नहीं मम्मी यहाँ कवर भी हम लेकर आए हैं देखिए वो कैसा लगा। ये बहुत तरफ से और आपको क्या चाहिए था घर के लिए वो भी मैं लेकर आई हूँ। यस सही मम्मी ने के दो साल लाया था। नहीं मम्मी और दूसरी कमेंट ये थी सबकी कि आपके मम्मी के लिए उभा पोता लेकर आओ तो आपकी मम्मी को अच्छे हो पोते करने में तो ये भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो इसलिए वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो आपके सब वस्तु आ गई तो कुछ बाकी रह गया और हाँ मैं सभी भी लेकर आ गई हूँ आपने नहीं बोला था। या मेरी फ्रेंड अपने घर जा रही है और टाइम मिल गया तो मैं दूसरी बार मिलना आएगी ना तुम अहमदाबाद जाना से तू तू अहमदाबाद चल मेरे साथ। ओके सोचेंगे चलो घर पे परमिशन देनी पड़ती है ना मम्मी सामने देख रहे हैं मेरे देखिए। अहमदाबाद आ दियो मेरा लेने आ लो थोड़ा टाइम माटे एंजॉय करसो ने हूं बधे फरवा લઈ જઈશ। ઓ અચ્છા પછી આપણે કેમ અહીંયા બધે જ્યાં ત્યાં એવી રીતે અહમદાવાદ તને ફરવા લઈ જઈ બચપન જેમ સાથે નહીં એક એક દૂસરે સ્કૂલ એક દૂસરે કે બિના સ્કૂલ નહીં જાતે ને घर पे रेडी होकर जाती थी उसको बुलाने के लिए तो कि आज मैं नहीं जाने वाली तो वहाँ से उसके घर से वापस मैं अपने घर आ जाती हूँ। नहीं इस तरह से हम करते थे एक दूसरे के बिना हम कभी कहाँ भी नहीं जाते थे इतनी ज्यादा हमारी बॉन्डिंग है। नहीं साथ में बहुत सारा टाइम बीता है हाँ इसलिए ऐसी हमारी बॉन्डिंग है। चलो अब मैं चलती हूँ बाय बाय। पता नहीं तुम कब मुझे दूसरी बार मिलोगी एक बार जरूर आना अहमदाबाद जाने से पहले चौकस जमरुक बहुत अच्छा लगता है ना तो जमरुक लेना तुम मुझे कॉल करना okay, मैं लेने आऊंगी और तुमसे मिलने आऊंगी okay, दूसरी बार बाय बाय। हाँ मैं किचन में आ गई हूँ और मेनू हमारा रेडी हो गया है सबको बैंगन का भरता खाना है सबको तो चले मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं मार्केट में से रिंगन लेकर आई थी सारी सब्जी लेकर आई हूँ वो पापा को मेथी का मिर्चा खाना था लाल तो वो भी लेकर आ गई हूँ। टमाटर और गोभी है और लौकी है और टिंडोरा है तो सारी सब्जी मैं वॉश कर लेती हूँ और साइड में गैस में रख देती हूँ रिंगन
को सेकने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने रिंगण सेकने के लिए रख दिए दोनों गैस पर। आज मैं शॉपिंग करके आई थी नया लोया लेकर, तो यहाँ पे मैंने सगड़ी पर रख दिया। तो उसमें आज हम पोड़ा फ्राई करने वाले हैं परठा। तो चलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ। मम्मी भाकरी बना रहे हैं गरमा गरम। आपकी भाकरी पूरी थी गई सेली से? नवरा बढ़िया से मस्त। मेरा वाला रेडी हो गया है एकदम चटाका धरने विशु। बहुत मस्त लगे और आज तो एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि नवा बाउल है ना उसमें मैंने आज वड़ा बनाया है। तो बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है आज मुझे। मैं भगवान का थाल रेडी कर लेती हूँ अब क्योंकि ज्यादा हरक इसलिए है क्योंकि मैं मेरे और मैं मेरे पैसे से घर के लिए सारी वस्तु लेकर आई हूँ। इसलिए मैं और ज्यादा खुश हूँ कि अच्छी अच्छी वस्तु घर पे आई है। क्योंकि आपने विचार न हो कि आपने कमाई आई आप घर माटे कई लेशु करशु अलग ज फील आवे। अलग ज फीलिंग छे आज मारा माटे। એટલે આજ તો છે ને નવા લોયા ઓળો બનાવે એટલે વિશાલ ને તો ગળા એથી તરત ઉતરી જાય, સાવ નહીં પડે जल्दी में भगवान का थाल लेकर आती हूँ और हम सब लोग खाना खा लेते हैं। और आपको बाहर से म्यूजिक का आवाज आ रहा होगा क्योंकि पापा बाहर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं 7 बज गए इसलिए। तो चलिए फिर हम सब लोग खा लेते हैं। मुझे गाइड करती हूँ, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। बाय बाय बाय।